हैं कि इसका वेट बताइए, इसका वेट कितना है, ठीक है? तो मास कितना दे रखा है, 5 किलोग्राम। तो मास को बोल देते हैं हम स्मॉल एम, ये हो गया 5 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम कितना, 5, जी है 9.8, 5 8 40, 4 कैरी आ गया, 5 9 45 और 4 49, ये हो गया 49 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। इसका उल्टा है, जस्ट कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। हुज वेट इज 49 न्यूटन। ये जरूरी नहीं है न्यूटन ऐसे लिखना, शॉर्ट में कैपिटल एन भी लिखते हैं जैसे यहां पर लिखा है। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो मुझे मास निकालना है एम, वेट दे रखा है 49 न्यूटन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं जानता हूं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इन टू जी। मास निकालना है, मास क्या हो जाएगा फिर, डब्ल्यू अपॉन जी। दिखाई दे रहा बेटा सभी को, तो एम कितना हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि 49 अपॉन जी, जी कितना 9.8, पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 10, 49 वन जा 49, 49 टू जा 98, 2 5 जा 10, तो मास स्मॉल एम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम्स। बताइए बेटा क्लियर है, चलें आगे। यस सर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, 600 न्यूटन A man weighs 600 newton on the earth. Full stop. What is his mass? What is his mass? एक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है यहां पर, एक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ ही वर टेकन टू द मून, if he were taken to the moon, his weight would be 100 newton. His weight would be 100 newton.
full stop. What is his mass on the moon? What is his mass on the moon? What is his mass on the moon? तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी What is the acceleration due to gravity on the moon? ठीक है जी, a man weighs 600 newton on the earth. तो earth पर एक man है, उसका जो weight है, वो कितना है? 600 newton. मैं दबी करता हूँ. A man weighs 600 newton on the earth. He weight जो उसका दे रखा है, वो दे रखा है 600 newton. What is his mass? Mass पूछा जा रहा है. और acceleration due to gravity earth पर कितना दे रखा है? 10 meter per second square. इसको ऐसे लिख सकते हैं, m s की power minus 2. m oblique s square भी लिख सकते हैं और m s की power minus 2 भी लिख सकते हैं. इसका सेम मतलब है, बोला ऐसे ही जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब जरा देखिए, W इज इक्वल टू mg है, यहां से m कितना हो जाएगा? W अपॉन g. W कितना है? 600 और g कितना है? 10. 0 से 0 कट गया तो ये हो गया 60 किलोग्राम. यानी कि वो जो मैन है उसका अर्थ पर मास कितना है? 60 किलोग्राम. इफ वी वर टेकन टू द मून, हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन. अगर उसको मून पर ले जाते हैं तो उसका वेट कितना हो जाता है? 100 न्यूटन. ठीक है, अब लिखूंगा मैं यहां पर हेडिंग डालेंगे ऑन मून, वेट को बोल दीजिए डब्ल्यू डैश. जैसे यहां पर डब्ल्यू एम और जी लिया है, ऐसे ही मैं मून की बात कर रहा हूं तो मून पर जो वेट होगा उसको W डैश बोल दीजिए, मून पर जो मास होगा उसको M डैश बोल दीजिए, मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको G डैश बोल दीजिए. तो मून पर वेट है 100 न्यूटन ये दे रखा है. व्हाट इज हिज मास ऑन द मून? हां हां, G डैश निकालना है, M डैश निकालना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ द मैन on moon is equal to mass of the man on earth. Reason we lihenge because mass is universally constant मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, सेम होता है, वो चेंज नहीं होता कभी. तो m dash is equal to 60 किलोग्राम. आप पूरे यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मास चेंज नहीं होता, मास सेम रहता है, यूनिवर्सली कांस्टेंट रहता है. तो m dash आ गया मेरे पास, w dash is equal to m dash into g dash. तो g dash निकालना है, g dash is equal to w dash upon m dash. w dash कितना है? 100 और m dash कितना है? 60. डिवाइड करिए, 6 ऑन द 6, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4. 4 के आगे 0 लगा 40. 6 6 जा 36. 40 माइनस 36 4 हो गया 40. 1.6666 आता जाएगा, 1.67 बोल दीजिए. ये बड़ा सभी को दिखाई दे रहा है, 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. न्यासा, प्रोजेक्टर, इंदर. यस सर. यस सर.
क्लियर है अक्षर आदित्य ठीक है जी यस सर ठीक है बेटा ओके अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा हाउ मच वुड अ 70 किलोग्राम मैन हाउ मच वुड अ 70 किलोग्राम मैन वे ऑन द मून वे ऑन द मून हाउ मच वुड अ 70 किलोग्राम मैन वे ऑन द मून क्वेश्चन मार्क व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून What would be his mass on the earth and on the moon? And on the moon. Acceleration due to gravity on moon is acceleration into gravity on the moon is 1.63 meter per second square. Acceleration due to gravity on the moon is 1.63 meter per second square. ठीक है ये देखा है how much would a 70 kilogram man weigh on the moon ठीक है एक 70 किलोग्राम मैन है उसका मून पर कितना वेट होगा वेट मतलब न्यूटन में निकलेगा वो मैं लिखूंगा ऑन मून मास तो यही रहेगा सेम 70 किलोग्राम आप मून पर ले जाओ या उसको कहीं भी ले जाओ तो मैन का मास तो सेम रहने वाला है acceleration due to gravity वो दे रखा 1.63 है ना ये दे रखा है कि moon पर acceleration due to gravity की क्या value है तो weight कितना हो जाएगा m into g 70 into 1.63 point क्या नीचे आ गया 100 एक zero से एक zero cancel 7321 टू क्या लिया गया 7642 और 2 44 4 के लिए आ गया 7 और 4 11 1141 अपॉन 10 114.1 क्या न्यूटन ठीक है तो ये तो आ गया वेट ऑन मून वो पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून ठीक है तो उसका मास कितना होगा अर्थ पर और मून पर तो हम ये कहेंगे मासस यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट देयरफॉर
mass of earth is equal to mass of moon is equal to 70 kilogram. ठीक है जी, चले आगे। अक्षत आदित्य बताइए। यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं बेटा, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर में हम क्या कहते हैं कि वेट ऑफ अ बॉडी is also a force. वेट भी तो फोर्स ही होता है, वेट की यूनिट भी न्यूटन और फोर्स की यूनिट भी न्यूटन। वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स, फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेट को हम थ्रस्ट भी बोल देते हैं, THRUST. It is also called thrust. Force per unit area is called pressure. Per unit area का मतलब क्या है कि अपॉन में एरिया आ जाए, ऊपर तो फोर्स रहेगा और अपॉन में एरिया आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। पास्कल को शॉर्ट में पीए लिख देते हैं, कैपिटल पी स्मॉल में ए, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दीजिए चाहे तो ऐसा यूनिट प्रेशर की, और चाहे तो पास्कल बोल दीजिए। उसके बाद देखिएगा फिर इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर वन है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied to an object a force of 100 newton is applied to an object of area 2 meter square फुल स्टॉप। कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर
फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स है 100 न्यूटन की और एरिया कितना दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, प्रेशर क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया यानी कि 100 अपॉन 2 हो गया 50। जो प्रेशर हो गया 50 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A woman is wearing sharp-heeled shoes. Sharp-heeled shoes. A woman is wearing sharp-heeled shoes or pencil-heeled shoes. Full stop. If the mass of this woman is 50 kilograms, if the mass of this woman is 50 kilograms, and the area of one heel is 1 centimeter square, दिखाई दे रहा है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड on the ground when the woman stands on just one heel. When the woman stands on just one heel. यहाँ पर एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ वुमन इज वेयरिंग शार्प हील शूज और शार्प हील शूज और पेंसिल हील शूज, तो मतलब वुमन जो है वो अर्थ पर ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा रही है, तो जहां पर वो टच करेगी वही तो वन पर तो फोर्स लगाएगी, तो वो जो खड़ी हुई है वो अपने एक पैर पर खड़ी हुई है, एक पैर उठा रखा है, एक पैर पर खड़ी है, तो जो एक पैर पर खड़ी हुई है तो उसमें जो उसने शूज पहन रखे हैं वो हाई हील शूज हैं, और जो हील है, जो उसकी हील है वो जो ग्राउंड पर टच कर रही है उसका एरिया कितना दे रखा है, हील का एरिया, एरिया ऑफ वन हील इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ इतना, और वो अपने एक पैर की एक हील पर ही खड़ी हुई है, लिखा हुआ है
कैलकुलेटर प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द ग्राउंड एट द मोमेंट स्टैंड्स ऑन जस्ट वन हिल, वो एक हिल पर ही अपने खड़ी हुई है, तो इसका मतलब सारा का सारा जो प्रेशर है वो उस एक हिल पर ही आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि मोमेंट का मास कितना है, मास ऑफ मोमेंट m इज इक्वल टू कितना दे रखा है 50 किलोग्राम, स्मॉल टी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेट जिसको हम w कह लेते हैं ये क्या हो जाएगा m into g, 50 into 10 यानी कि 500 न्यूटन, ये हो गया 500 न्यूटन। देखिए वेट आ गया, वेट इज आल्सो अ फोर्स, और प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया ऑफ वन हील ये रखा बेटा 1 cm² 1 cm², अब सेंटीमीटर अगर होता उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 से दो बार डिवाइड करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है यहां पर, इज इक्वल टू 1/100 × 100 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर ये 100 से करते तो सिर्फ मीटर होता, लेकिन दो बार कर रहे हैं ना 100 से तो मीटर स्क्वायर 5 0, तो ये हो गया 1/1 के आगे कितने 0 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर प्रेशर, ही इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यानी कि वेट अपॉन एरिया मतलब डिवाइडेड बाय एरिया, वेट कितना है 500 डिवाइड बाय एरिया कितना है 1/10,000, क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल, चार जीरो ये और दो जीरो ये, तो 5 × 10^6 पास्कल, बताइए समझ गए, बताइए जी क्लियर है, इंदर अक्षत आदित्य यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है ना, इसमें आप ये देखिए, हाँ जी इसमें आप ये देखिए कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, वो एक हील पर खड़ी हुई है तो कितना ज्यादा प्रेशर है एक सिंगल हील पर, ये चीज है। अच्छा बस बेटा एक मिनट रुकिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, एक मिनट वेट करिए बस। The length, breadth, and height of this wooden block are 50 centimeter. comma 25 centimeter and 10 centimeter respectively. Respectively, full stop. Find the pressure on the tabletop.
फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल टॉप. ये पार्ट है, व्हेन द वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद इट्स सरफेस व्हेन द वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद इट्स सरफेस व्हेन द वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद इट्स सरफेस measuring 50 cm into 25 cm on the table. Measuring 50 cm into 25 cm on the table. Deeper, when the wooden block is kept with its surface, when the wooden block is kept with its surface, measuring 25 cm into 10 cm on the table. 25 cm into 10 cm on the table. और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि अज्यूम G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ये दे रखा है क्वेश्चन. अब देखिएगा, जैसे वुडन ब्लॉक है तो वुडन ब्लॉक को रखने के दो तरीके हैं टेबल टॉप के ऊपर. एक टेबल के ऊपर रखा जा रहा है वुडन ब्लॉक को, क्वेश्चन है ना, ये रखा है रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है मास ऑफ 4 किलो, मतलब रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है उसका मास 4 किलो है. लेंथ विड्थ और हाइट लिखी 50 25 एंड 10 सेंटीमीटर. फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल टॉप. When the wooden block is kept with its surface measuring 50 cm into 25 cm on the table. ये मान लीजिए टेबल है, समझ गए, ये एक टेबल है. अब इस टेबल के ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, तो वुडन ब्लॉक किस तरह से रखेंगे?
ये वुडन ब्लॉक है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है. तो इन्होंने बोला है कि अंदर वुडन ब्लॉक इज कैप्ट विद इट सरफेस मेजरिंग 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर ऑन द टेबल. मतलब टेबल पर टच कौन सी सरफेस कर रही है, ये नीचे वाली. तो इसके डायमेंशन क्या दे रखे हैं, ये 50 सेंटीमीटर और जो ये वाला है, ये वाला ये कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर तो तीसरा क्या बचा 50 25 और 10. ये हाइट क्या हो गई 10 सेंटीमीटर. समझ गए किस तरह से रखा हुआ है, ये समझ में आ गया. बताइए अक्षत आदित्य इंदर. यस सर. ठीक है जी. यस सर. ओके उसके बाद देखिएगा कि अब एरिया ऑफ कांटेक्ट कौन सा है. ये 50 × 25 यानी कि ये है एरिया ऑफ कांटेक्ट जो टच हो रहा है. तो जो एरिया टच हो रहा है उसके लिए लेंथ तो हो गई 50 और ब्रेथ हो गई 25. Area of contact is equal to 50 × 25. 25 × 5 = 125. एक जीरो लगा दीजिए. सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. एरिया की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर ही होती है. तो 1250 सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करते हैं तो 100 से दो बार डिवाइड. 100 × 100 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया. 125/1000 125/1000 क्या मीटर स्क्वायर. ये हो गया एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. अब When the wooden log is like this, अब मेरे को प्रेशर निकालना है. तो प्रेशर is equal to force upon area या फिर weight upon area. Weight क्या हो जाएगा m into g. और एरिया ये मैंने अभी अभी निकाला ही है. अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें. देखिए mg मतलब मास कितना दे रखा है 4 किलोग्राम और g इन्होंने बोला है कि 10 लेना है मुझे. तो मास हो गया 4, g हो गया 10, एरिया कितना है 125/1000. फोर इंटू 10 कितना हो गया 40 डिवाइड बाई 125/1000. डिवाइड का मतलब कि मल्टीप्लाई होकर और इसका क्रॉस वो रेसिप्रोकल हो जाता है. 1000/125 अब कर लीजिए 25 5 = 125 25 4 = 100 और एक जीरो लगा दिया. 5 8 = 40 8 4 = 32 320 पास्कल. बताइए जी ये समझ में आ गया 320 पास्कल. इसके बाद देखिएगा अब जो सेकंड पार्ट है उसमें है रंजा वुडन ब्लॉक इज कैप्ट विद इट सरफेस मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर ऑन द टेबल. बी पार्ट में इसी वुडन ब्लॉक को कैसे रखा जाता है. आप ये समझ लीजिए ये तो टेबल हो गई. ये तो बन गई थी टेबल. अब इस टेबल के ऊपर वुडन ब्लॉक को कैसे रखा जाता है विद इट्स फेस विद इट्स सरफेस मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर ऑन द टेबल. तो अब टेबल पर
ये ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि ये वाली लेंथ कितनी हो गई n, और ये जो पीछे वाली लेंथ है ये कितनी 25, 10 और 25, और तो ये फिर हाइट कितनी बची है 50। डायमेंशन तीनों दिखाने जरूरी होती है, हालांकि 50 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे कि इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ना वो कम हो गया, एरिया कम हो गया तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर और एरिया ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एरिया कितना है 10 × 25, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू 10 × 25 यानी कि 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, 250/100 × 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, 45/1000 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो वही है सेम mg, मास कितना था 4 किलोग्राम, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी 10, एरिया कितना है 5/1000, तो 4 × 10 हो गया 40 डिवाइड बाय 25/1000, 40 × 25 हो जाएगा 40 × 1000 यस सर।